ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता मेरे बड़े भाई पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जनूतर भरतपुर राजस्थान से, और जो पेड़ की जानकार दे रहे हैं प्रेम सिंह ग्राम उवार जिला भरतपुर राजस्थान से, और जो जीके की जानकार दे रहे हैं घनश्याम जी रूपबास आगरा से, और जो ढोलक की ताल देते हुए मेरा छोटा भाई नकुल थ्रावली जिला मथुरा से, और आपके समक्ष गायक कलाकार चंद्रवीर गौंडा उत्तर प्रदेश से, आइए सुनिएगा। परमादरणीय प्रांगण में विराजमान जितने भी जिकड़ी के शौकीन श्रोता बैठे हुए हैं, आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा जमुना के जैसी पवित्र मेरी माताएं बहनाएं, और इस मंच पर जितने भी कमेटी के मेंबर्स और मेरे बड़े भाई साउंड मास्टर जी, आप सभी के शीर्ष चरणों में चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की तरफ से हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार व राम राम साहब। श्रोता, जैसा कि आप सभी को विदित है, सभी गाने वाले अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं, लेकिन भैया जी मिनट 15 आइएगा सुनिए कबीराज और दोहे में जवाब दे रहा है बेटा नकुल, कैसे भैया? पूत सपूत के अंदर सबका साझा हुआ करता है कि पूत सपूत में साजो सबको, और कायर कपूत का चुका मिन आवे फल बिन डार नबत नहीं कबहू, तो गुर बिन ज्ञान कहां ते आवे। जैका भैया, जैसा कि कमेटी ने 15 मिनट रखी हैं और आप लोग साखी भवानी सुनते चले आ रहे हैं, और मैं आपको सीधा कथा की तरफ लेकर चलता हूं, जहां से कल मैंने कथा को छोड़ा था यानी भजन को छोड़ा था। आप लोग पैसा खर्च करते हो जिकड़ी के लिए, इसीलिए जिकड़ी को समझिएगा। और हमने प्रसंग कहां से छोड़ा था कल? आज वो राजा मदन सेन एक एक लकड़ी खिट्टी करके अपनी चिता बना रहा है, लेकिन कहानी मोड़ ले रही है यहां से। उसी बनी के वास्ते मां पार्वती भोलेनाथ अपना भ्रमण करते हुए घूमते हुए जा रही है, लेकिन जब मां पार्वती ने रोने की आवाज को सुना, भोलेनाथ को जवाब दे रही है मां पार्वती, भोलेनाथ मुझे ऐसा सबब होता है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इस बनी के अंदर कोई दुखिया रो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन भोले इसका भाव देखिए, किस भाव से रो रहा है ये। मां पार्वती और भोलेनाथ को जवाब दे रही है, बेटा नकुल कैसे भैया? कोई उपदेश नहीं मिलेगा, सुत कथा। ये तो रोबे मार के और पहाड़ अरे त्रपरारी मोई तो ऐसी लग रही है यकी मर गई है घरवारी।
पार्वती जवाब दे रही है, कह भोला कह सुन पार्वती, भोला कह सुन पार्वती, अकल नहीं तेरी दुनिया में, अरे कितने मरते कितने जीते रोजाना इस दुनिया में, तू तो सबकी करे सिफारिश गोरा। और इसी बीच नगला बना से चलकर आए मेरे जवाहर सिंह, 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद भैया। इस तरीके से भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं, क्या भोला कह सुन पार्वती और अकल नहीं तेरी दुनिया में, अरे कितने मरते कितने जीते रोजाना इस दुनिया में, तू तो सबकी करे सिफारिश, तू तो सबकी करे सिफारिश नहीं ज्ञान विधि को तोकू तोकू, और गौरा आफत रुप जाएगी। चलिए ये संसार सागर है। इसी बीच कैमरे का पुरस्कार रमेश फौजदार जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। इसी बीच विजेंद्र सिंह नगला मना से चलकर आए, 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे सरपंच साहब के बड़े भाई देते हैं, बार बार धन्यवाद। इसी बीच रूप सिंह जी देहवा, 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। सोरन सिंह गुहावली, 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। लाओ तुम। और इसी बीच 51 रुपए का आशीर्वाद बाबू ठाकुर जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। इसी बीच रमेश नंबरदार जी नगला मना से चलकर आए, 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। इसी बीच बहादुर जी ग्राम गुदावली से 51 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। आज इस तरीके से जब भोलेनाथ ने कहा, एक बार जवाब दिया है, इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार जवाहर सिंह देते हैं, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच 51 रुपए का आशीर्वाद कुलदीप सिंह, 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। आज मां पार्वती जवाब दे रही है, जब भोलेनाथ ने समझाया, गौरा चलिए अपना भ्रमण करते हैं। इसी बीच 51 रुपए का प्रसाद प्रदीप ग्राम गोहवली से देते हैं, बार बार धन्यवाद। आज भोलेनाथ ने समझाया गौरा को, गौरा हमें क्या मतलब, ये संसार सागर है, कोई जन्म लेता है कोई मरता है, चलिए अपना भ्रमण करते हैं। हाथ जोड़कर मां पार्वती खड़ी हो गई, भोलेनाथ तो आप इस दुखिया से मिलने के लिए नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, ये आपका रास्ता है और ये मेरा रास्ता है, जाइए आप। मां पार्वती भोलेनाथ को जवाब दे रही हैं, और रोहतास जी कैसे, मां पार्वती भोलेनाथ को जवाब दे रही हैं, कथा का भाव समझिएगा, क्या पार्वती के तुम यही रहो और मैं तो याते मिलवे जाऊंगी, और जब तक यहां पे कष्ट पड़ेगा नहीं
बारे तेरे मन किसी में कर दंगो कह पार्वती ने जवाब दिया, आप जाना चाहते हो जाइए, लेकिन मैं इससे जरूर मिलकर आऊंगी। भोलेनाथ ने जवाब दिया, अरे भगवान तू नहीं मानती है तो चल। क्या मन में खुश भई पार्वती, मन में खुश भई पार्वती लिए भोला संग लगाई है और वहीं पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता बनाई है। भोला कहे तू को है दुखिया और भेद बता दे सारा और जहां रुधन करे तेरा क्या सबब है, अपने प्राणों की आहुति इस अग्नि में क्यों दे रहा है। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया मदन सेन, बाबा ये मेरी रानी है, इसका नाम चंद्रप्रभा है, इसे सर्प ने काट लिया है, ये मर गई है बाबा, इसे जीवित करा दो ना। भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं, बेटा तुझे पता है तेरी रानी क्यों मर गई है, सुन मेरी बात। आज भोले बाबा मदन सेन को जवाब दे रहे हैं और भैया बारहमासी के अंदर नकुल भोले बाबा मदन सेन ते अरे बोल रहे बानी और 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। क्या बात है बेटा, बेटा इसकी उम्र इसकी अवधि 20 साल की थी और ये मर गई, लेकिन तुझे पता है तेरी उम्र कितनी है। बाबा भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं, उम्र तेरी बेटा 70 की। इसी बीच मेरे बड़े भाई बबुल सिंह कैमरे का आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच एक कैमरे का आशीर्वाद चंद्रपाल सिंह देते हैं, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच एक कैमरे का आशीर्वाद चंदन ठाकुर जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। कैमरे का पुरस्कार केदार सिंह ड्राइवर साहब ग्राम को हावली से देते हैं, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच बनी सिंह बन सिंह ठाकुर ग्राम को हावली से कैमरे का आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच महेंद्र सिंह ग्राम मेढ़ा चौली से कैमरे का आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। श्रोता बेटा 70 की।
तूने 30 भोग दिए, कितने बच्चे? क्या बात है, अच्छे श्रोताओं की पहचान हुआ करती है। उम्र 40 बच्चे तेरे, क्या बात है, उम्र 40 बच्चे तेरे। 50 रुपए का आशीर्वाद देव सिंह जी देते, मारवा धन्यवाद 50 रुपए का आशीर्वाद। मेरा छोटा भाई मुकेश सोलंकी कैमरा का आशीर्वाद देते, बार बार धन्यवाद। बड़े लेट चेत रहे हो, टाइम है पूरो भैया जी। आज जब इतना कहा, तेरी उम्र 70 साल की थी, तूसे उनमें से 30 भोग लिए, बच्चे 40। उम्र 40 बच्चे तेरे, जीवित करना चाहता है तो 20 साल उम्र अपनी रानी को दे दे, दोनों एक साथ मरोगे, दोनों की बराबर आयु हो जाएगी, बराबर आयु है जाएगी, बराबर आयु है जाएगी। और जे इसी बीच कैमरे का पुरस्कार शांति देवी जी देती, बार बार धन्यवाद सभी के लिए श्रोता।